हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉप 20 वेब सीरीज़ जो एमएक्स प्लेयर पर फ्री में अवेलेबल है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो वो जो लाल वाला बटन है उसे ज़ोर से दबा दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। और इन टॉप 20 वेब सीरीज़ के अलावा एक और वेब सीरीज़ है जिसे हमने लास्ट में रखा है। जानने के लिए वो वेब सीरीज़ कौन सी है और हमने उसे लास्ट में क्यों रखा है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 20 पे है डैमेज्ड। डैमेज एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है। सीरियल किलिंग, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, डेड बॉडीज, स्कैरी मोमेंट्स, ये सब आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। इस वेब सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और हर सीज़न में 10-10 एपिसोड्स हैं। नंबर 19 पे है ऑफिशियल भूतियागिरी। ऑफिशियल भूतियागिरी एक कॉमेडी वेब सीरीज़ है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.9 है। इस वेब सीरीज़ की कहानी दिलवा राणा के ऊपर है जो जेल से छूटने के बाद अपने पिता के पुराने होटल को वापस से शुरू करता है, मगर धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये होटल हॉन्टेड है। इस वेब सीरीज़ के केवल एक सीज़न आया है जिसमें 5 एपिसोड्स हैं। नंबर 18 पे है तथास्तु। तथास्तु एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज़ है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है। इस वेब सीरीज़ की कहानी 6 मिलियनर्स के ऊपर में है जो मिलकर एक कंपनी खोलते हैं जिसका सिर्फ एक मकसद है, सबके क्रेजीएस्ट विशेष को पूरा करना। इस सीरीज़ का एक सीज़न आया है जिसमें केवल 5 एपिसोड्स हैं। नंबर 17 पे है रक्तांचल। रक्तांचल एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज़ है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है। ये वेब सीरीज 80s के ज़माने के उत्तर प्रदेश के टेंडर माफिया के ऊपर में है और गाली और एक्शन तो जैसे ही इस वेब सीरीज़ में दबा के भरे हुए हैं। वेब सीरीज़ का केवल एक सीज़न आया है जिसमें अभी तक 9 एपिसोड आ चुके हैं। नंबर 16 पे है बेसमेंट कंपनी। बेसमेंट कंपनी एक कॉमेडी वेब सीरीज़ है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है। ये तीन दोस्तों की कहानी है जिन्हें एक पंजाब म्यूजिकल कंपनी में जॉब मिलता है और उनका ऑफिस बेसमेंट में दिया जाता है जिसे उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस वेब सीरीज़ का एक सीज़न आया है जिसमें 5 एपिसोड्स हैं। नंबर 15 पे है एक थी बेगम। एक थी बेगम एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज़ है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है। कहानी ट्रू स्टोरी पर आधारित है जहां एक लड़की का हस्बैंड एक अंडरवर्ल्ड डॉन द्वारा मारा जाता है, फिर वो अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेती है। इस वेब सीरीज का एक सीजन आया है जिसमें 14 एपिसोड्स हैं। नंबर 14 पे है पति पत्नी और वो। पति पत्नी और वो एक कॉमेडी वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7 है। मोहन की पहली वाइफ गुजरने के बाद मोहन दूसरी शादी करता है, लेकिन मोहन की पहली वाइफ आत्मा बनकर वापस आ जाती है और उसे चैन से जीने नहीं देती। ये वेब सीरीज़ काफ़ी फनी है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस वेब सीरीज़ का एक सीज़न आया है जिसमें 10 एपिसोड्स हैं। नंबर 13 पे है दी हॉलीडे। दी हॉलीडे एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज़ है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। प्रियंका शर्मा की शादी होने वाली है, इससे पहले वो एक बैचलर पार्टी करती है अपने 3 मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ। ये वेब सीरीज़ आपको दिखाएगी कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त भी हो सकते हैं। इस वेब सीरीज़ का एक सीज़न आया है जिसमें 10 एपिसोड्स हैं। नंबर 12 पे है आयशा माय वर्चुअल गर्लफ्रेंड। ये एक साईफाई थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। ये कहानी सैम की है जो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है और उसकी गर्लफ्रेंड जो एक रोबोट होती है। ये कहानी काफ़ी यूनिक स्टोरी लाइन पे है और काफ़ी लोगों द्वारा पसंद की गई है, इसलिए अब तक इसके 4 सीजन आ चुके हैं जिसमें 20 एपिसोड्स हैं। अगर आप कंप्यूटर की दुनिया को पसंद करते हैं तो इस वेब सीरीज को एक ट्राई जरूर दीजिए। नंबर 11 पे है मस्तराम। मस्तराम एक एडल्ट फैंटेसी वेब सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है। राजा राम जो एक छोटे से टाउन में एक बैंक में क्लर्क का काम करता है, उसका सपना होता है कि वो दिल्ली जाके एक बहुत बड़ा राइटर बने, मगर कोई उसकी किताब को छापना नहीं चाहता। फिर वो एक एडल्ट कहानी लिखता है जिसकी कई कॉपियाँ छपती है और वो काफ़ी फेमस हो जाता है। ये वेब सीरीज़ काफ़ी फनी और इंटरेस्टिंग है। इसका अब तक एक सीज़न आया है जिसमें 12 एपिसोड्स हैं। नंबर 10 पे है हेलो मिनी। हेलो मिनी एक थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज़ है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है। ये कहानी एक लड़की की है जो मुंबई अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने आती है, तभी उसे पता चलता है कि कोई है जो उसकी सारी हरकतों पर नज़र रख रहा है।
वो उसकी हर बात जानता है और ये भी जानता है कि वो किस समय क्या करती है। ये वेब सीरीज काफ़ी लोगों द्वारा पसंद की गई है, तो आप इसे ज़रूर देखें। इसका एक सीजन आया है जिसमें 15 एपिसोड्स हैं। नंबर 9 पे है भोकाल। भोकाल एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है जिसकी IMDb रेटिंग 7.8 है। नवीन जो एक सच्चा पुलिस ऑफिसर है, उसकी पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में हो जाती है, जो पूरे कंट्री का सबसे ज़्यादा क्राइम होने वाला शहर है। नवीन क्राइम को रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर बड़े बड़े लीडर द्वारा उसे रोक दिया जाता है। ये वेब सीरीज़ काफ़ी लोगों द्वारा पसंद किया गया है और MX प्लेयर पे इस वेब सीरीज़ के हाईएस्ट व्यू हैं। इस वेब सीरीज़ का एक सीजन है जिसमें 10 एपिसोड्स हैं। नंबर 8 पे है समांतर। समांतर एक मिस्ट्री वेब सीरीज है जिसकी IMDb रेटिंग 7.8 है। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसका जीवन दूसरे एक व्यक्ति से पूरा पूरी जुड़ा हुआ रहता है। अब वो उस इंसान को ढूंढ रहा है ताकि वो अपना फ्यूचर को चेंज कर सके। ये एक ऐसी वेब सीरीज है जो आपके दिमाग को पूरी तरह से घुमा के रख देगी। इस सीरीज का एक सीजन आया है जिसमें 9 एपिसोड्स हैं। नंबर 7 पे है थिंकिस्तान। थिंकिस्तान एक ड्रामा वेब सीरीज है जिसकी IMDb रेटिंग 7.9 है। कहानी दो दोस्तों की है जो एक बहुत बड़े एड एजेंसी में काम करते हैं, जिनमें से एक छोटे शहर का रहने वाला है और दूसरा बड़े शहर का रहने वाला है। दोनों आपस में कि कौन बेस्ट है, इसलिए लड़ते रहते हैं। इस वेब सीरीज़ का 2 सीजन आया जिसमें 23 एपिसोड्स हैं। नंबर 6 पे है क्वीन। क्वीन एक हिस्ट्रिकल बायोग्राफी वेब सीरीज़ है जिसकी IMDb रेटिंग 8.2 है। इस वेब सीरीज़ की कहानी एक नोवेल द क्वीन से ली गई है, जो तमिलनाडु की पूर्व चीफ मिनिस्टर जयललिता के जीवन के ऊपर में है। इस वेब सीरीज का एक सीजन आया है जिसमें 11 एपिसोड्स हैं। नंबर 5 पे है गर्लफ्रेंड चोर। नाम से समझ ही गए होंगे कि इस वेब सीरीज की कहानी कैसी होगी। ये एक रोमांटिक वेब सीरीज है जिसका IMDb रेटिंग 8.3 है। एक लड़का अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार करता है और वो लड़की एक दूसरे अमीर लड़के को प्यार करती है, इसलिए यह हर एक कोशिश करता है ताकि उनका झगड़ा हो जाए। इस वेब सीरीज का एक सीजन है जिसमें 5 एपिसोड्स हैं। नंबर 4 पे है पांडू। पांडू एक कॉमेडी वेब सीरीज है जिसकी IMDb रेटिंग 8.6 है। ये वेब सीरीज मुंबई के दो पुलिस ऑफिसर PSI कामले और हवलदार गायकवाद की है। वो लोग अपने डेली लाइफ में क्या क्या जलते हैं, इस वेब सीरीज में अच्छी तरह से दिखाया गया है। इस वेब सीरीज का एक सीजन आया है जिसमें 6 एपिसोड्स हैं। नंबर 3 पे है माधुरी टॉकीज। माधुरी टॉकीज एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है जिसकी IMDb रेटिंग 8.8 है। ये वेब सीरीज मनीष के ऊपर है जो अपने होने वाली पत्नी पुनीता का बदला लेता है, क्योंकि पुनीता का कई सारे पावरफुल लीडर्स लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया था। अब वो एक एक को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। इस वेब सीरीज का एक सीजन है जिसमें 10 एपिसोड्स हैं। नंबर 2 पे है आनी के हवा। अनी के हवा एक रोमांटिक वेब सीरीज है जिसकी IMDb रेटिंग 9 है। ये कहानी है एक न्यूली मैरिड कपल की जो अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं। अगर आप ढूंढते हैं एक ऐसी रोमांटिक वेब सीरीज जहाँ पे कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, तो ये वेब सीरीज वही है। कपल्स को ये वेब सीरीज बहुत पसंद होती है। इस वेब सीरीज का 2 सीजन आया है जिसमें 12 एपिसोड्स हैं। नंबर 1 पे है फ्लेम्स। ये TVF द्वारा बनाई गई कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक वेब सीरीज है जिसकी IMDb रेटिंग 9.2 है। हमें पता है कि TVF द्वारा बनाई गई वेब सीरीज कमाल की होती है और ये वेब सीरीज TVF की टॉप वेब सीरीज में से एक है। ये एक कॉलेज की लव स्टोरी है जिसमें रजत जो क्लास का टॉपर है, उसे एक नई आई लड़की अनुषा से प्यार हो जाता है। इस वेब सीरीज का 2 सीजन आया है जिसमें 10 एपिसोड है। इस वेब सीरीज का नाम है मनफोरगंज की बिन्नी। हमने इस वेब सीरीज को आखिर में इसलिए रखा है क्योंकि IMDb ने अब तक इस वेब सीरीज को रेट नहीं किया है, लेकिन पब्लिक में काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है ये वेब सीरीज, इसलिए इस वेब सीरीज को टॉप 20 MX प्लेयर वेब सीरीज में होना बनता है। ये एक मिडिल क्लास की 21 साल की लड़की की कहानी है जिसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। उसके घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे एक पॉलिटिशियन की लड़की से प्यार है। इस वेब सीरीज का एक सीजन आया है जिसमें 10 एपिसोड्स हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।